को छोड़ के गए। मैं नया पार्टी को जन्म देना चाहता हूँ, मुझे सहयोग कीजिए। मैंने बोला ये जन्माने की काम के लिए दूसरों की सहयोग मत लीजिए। वो बोलता है मैं नया पार्टी को जन्म देना चाहता हूँ, मुझे सहयोग कीजिए। लगता है ये प्रचंड मेरी ब्रह्मचारी को भंग करने की कोशिश कर रहा है। मैं जन्म तो दूंगा लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है आपके पत्नी मान जाएगी। मित्रों, हिंदुस्तान में पहाड़ी मुल्क में पानी नानी और जवानी कभी नहीं रहते। आपके नेताओं ने पानी को दिल्ली तरफ बेच दिया, नानी को मुंबई तरफ बेच दिया और जवानी को खाड़ी मुल्क में भेज दिया। जब तक ऐसा रहेगा तब तक नेपाल कभी नहीं सुधरेगा। मित्रों, पता नहीं किसकी फोन आ रहा है, ये उम्र में फोन नहीं आएगा तो कब आएगा। आपका मोबाइल बंद कीजिए, हमको बोलने दीजिए। मित्रों, सब लोग बोलते हैं मोदी जी हमें बाली नहीं दे रहा है, हम कैसे देंगे बाल तो जब हमारा बाली नहीं है। उनसे मोदी की मैं दिख रहा चाहू ऐसे और कोई एक्टिंग करना चाहू जी, अम्मा ने बड़ा को थोड़ी एक्टिंग करना चाहू प्रकृति का कोटी कोटी बाजे हमरो देश को राष्ट्रपत्नी चुनाव भाको मोती है। ज्ञान भूमि शांति भूमि निखिल राजेश हमाला हाथ छेड़ेगा राजेश हमाला राजा बनाइयो देश टाड़ा ईशा माला हाथ छेड़ेगा। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन विशाला, लोचरिन को धनी देश जय जय नेपाल। आचरी तो काम कर रहा है, मैं क्या है मुझे सारा नेपाली घोड़ा बाट आ सौ ए पंचो पा भूमि पाले चार सौ दिन रात पंचो पा धेरै भयो न देखे दाल र भात आचरी का भूकंप मुर्दा बात बाजे। काठमाडौँ का घैटे गुंडा चितवन का आजाइने काठमाडौँ का घैटे गुंडा चितवन का आगाइने आजकल का केटीलाई तर्साउनलाई भूकम्प नै चाहिने। जमाना पनि कष्ट आयो केटी बचाउनको लागि केसका बाजे कि त इचात्र मोबाइल चाहियो कि त राग अस्तो भैँसी भैँसी अस्तो बाइक चाहियो। हात तेरिका सकिएन ला सकिएन कति हाँसी म त हाँसेर मर्नु भयो। अलि राम्रो खिच न है हात तेरिका चरणीको भार राम्रो खिच त्यसका बाजे। यस्तै गरी म अर्को महानायक राजसम्मको थोरै आवाज निकाल्न चाहन्छु, क्यारी कसरी गर्न चाहन्छु। ओ भाइ तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् न सारा मानिसहरूले भनिरहेको छ राजसम्मले त्यो बडो भइसक्यो एउटा फिल्म दिन सकिरहेको छ, म कसरी दिने फिल्म, भर्खर भर्खर बिहे भएको छ आफ्नो श्रीमत छोड्न सकेको छैन। कता बम गराएको कता हो बम गराएको महानायक राजसम्मलाई भनेको बा मैले सुरक्षा गार्ड लिएर आउँथ्यो अटो बमको लागि तर बिन्ती छ पैसा लिएर जाऊ त तर बिन्ती छ मलाई यस्तो नगर। म महानायक राजसम्म भर्खर भर्खर सिम्मा सबैले भनेका छन् हेर्नुहोस् न म महानायक राजसम्म तपाईँहरूको बास भएको छु। अस्ति म भैरवबाट यहाँ आउँदै थिएँ, म एकता बसिरहेको थिएँ, कोही केटीहरूले मलाई जिस्काए, कोही केटाहरूले मेरो कपडा पछिबाट कपाल तार जिस्काए। मैले सोधेँ त्यो पछि भएर यसो फर्केर हेरेको त साला दुर्बुस पनि रहेछ। ए भाइ उसले मेरो कपाल तन्कायो जिस्कायो, अनि मैले सोधेँ ए भाइ किन जिस्काएको, अनि उसले के भन्नु थाहा छ सुन्नुहोस् है
आई राजा साहिब बता का तो चारों नहीं बार कर राज साहिब पर नहीं चलता है साला केटा कुन केटी कुन सीने सक बेनस पाची बाता है तब तक केटी अस्पेल जहीं ऊंचा जहीं बार ना क्या है ना ये पूछता केटा भर पास में बनी कक्कड़ी का हालू चाहिए ना राज समाज उस तो मान से कपाल तार रे केटी भर रहे तो पुराने सा आह मैं तो इज्जत लूटते होगी तेरे सरकार के पास यो रहे कुछ नमस्कार तपाईको भाइ आफ्नो तपाई दुई जना मानिस तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ दुई जना मानिस शान्ति अनि विकासको आधार सामुदायिक रेडियो आवाज तपाईलाई धन्यवाद छ मेरो कार्यक्रम सुन्नु भएको निम्ति अ यस्तै गरी म अर्को जाउने भने नै जाउँ अर्को फोन गर्दि अर्को गर्दै भने नै जिग्री आप्पा मेरी रक्षा भन्दा पनि राम्री केटी यहाँ देख्यो सक्की गर्नु मेरी रक्षा जी बेला पुलिस में भर्ती हो मं तर हल्का कथल मगे अवस्था शक्ति तर पुलिस खेत में काम करने हल्ली भाग कहीं फरक छेन क्या फिर लट्ठी छोड़ने नमिलने आप शक्ति तबर मध्य कोई केटी मैं दाइजो में गैस रैस दिखा गैस पेट्रोल दी केटी सब बिहे करूर्ने अवस्था हल्का जमाना फेरि पैला पैला बिहे में गैस दिखे अब बच्चे गैस चला दी के छोरी बिहे करूर्ने अवस्था सकी आप माया प्रीति भन्ने कुरो ये केटा मं माया रक्सी में के फरक है हे रक्सी धेरै भयो भने केटाहरुला उल्टी आउने माया धेरै भयो भने केटीहरुला उल्टी आउने कस्तो लाग्यो दामी हाँ ये सी गरीब कस गर्दै भयो गुरुमा सेक एक्टिङ गर्न जान्छु थोरै थोरै डायलेक्ट आज सुत्या तलाई थाहा भुका पकाहर गा भरि तलाई थाहा भादर के एसिया को दोसरो हो कि तेसरा हिंसी पारे तिमला था भूकंप कहारी गरी बा अस्थि मैं पत्रिका में हेरे तेस का बाहे वहाँ गोखा में तो त्यात्रा पुलिस ने तीन रक्सी दे रक्सी सब खाल्टा हाल एक दिन रक्सी खाता खेल तो मचे हल्ला धे रक्सी खाल्टा में हाल पी भू हाल कसो कुछ क्या हल्ला क्या अर्को कस कर दी अरे शाहरुख खान को घर ये गये कति हाँस्नु भनेको है मोटो हाँसेर मर्ने भयो भनेको है तपाईलाई चाहिँ थाहा छ है म त जहाँ जहाँ पनि रेडियो बोकेर हिँड्छु है त्यसका बाजे रेडियो बोकेर दिशा गरेको है त्यही बेलामा राष्ट्रिय गाना पनि बज्यो भनेको उठेर दिशा गर्नु पर्यो भनेको कति हाँस्नु मोटो हाँसेर मर्ने भयो त लायो यसै गरी कस गर्दिन आपको नमस्कार आपको नमस्कार आपको इतना क्यों नमस्कार कर रहा है क्या कल तुझको फांसी है सब लड़की मुझे मरती है जो नहीं मरती उसको मैं घर पे छोड़ के आ गया सब लोग बोलते हैं शाहरुख खान दीपिका और शाहरुख खान की जोड़ी मस्त लेकिन मेरी तो शादी हो गई मैं क्या करूं मैं नशे में आ गया था मुझे इस पुलिस काल में कुछ फिल्म नहीं खेलनी पुलिस काल में आ रहा था कुछ काम के लिए लेकिन मैंने पूछा
केपी शर्मा ओली के पास मैं गया, केपी शर्मा ओली को मुझसे काम दिलवा दो। उसने क्या बोला पता है? वो बोलते हैं मैना के पास गए। उसने क्या बोला पता है? ए दुस्ता लाई छोडेर नेपाल बाउनु भएको छ, तपाईँलाई काम कसरी नदिन सक्छु? महिनाको 50,000 छ, तपाईँले काम गर्नुहुन्छ? कितना पैसा? 50,000 कितना तनखा? स्योर गरौँगा। करना क्या है? गर्न पनि केही छैन। बिहान बिहान उठेर नाङ्गो तारमा चिसो कपडा झुन्ड्याउनु पर्छ। मुझे कुछ काम नहीं मिला और मैं गया कोरिया में। कोरिया में मैं जा रहा था, वहाँ के प्रधानमंत्री क्या कहा पता है? नाचिन उदासा रो इंगा जोगिंग योजा कंपिया जाने यो यो आने कंपिया इन्हीं योजा फमी आल मिशिंजा निपी कावा चिनी योजा ग्रन बैक जोन। ये क्या बक रहा था भाई? ये लास्ट में योजा योजा मुझको लगा तू जा। मैं आया फिर हिंदुस्तान में। मैं गया नेपाल के और प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के पास। ए मैंने बोला, ए सुशील कोइराला कुछ काम दिलवा दो। उन्होंने क्या बोला पता है? काम करना है, करूंगा। तनख्वाह कितनी? सुशील कोइराला क्या बोला, क्या कहा सुनिए। तपाई आउनु भएको छ हिन्दुस्तानलाई छोडेर तपाई नेपालमा काम गर्न आउनु भएको छ, तपाईँलाई कसरी हामी नदिन सक्छौँ? महिनाको 1,00,000 छ, 1,00,000 रुपियाँ दिनुपर्छ। लात मारेगा क्या? त्यसो लात भनेको होइन, पैसा लाग भनेको। महिनाको 1,00,000 रुपियाँ म तपाईँलाई दिन्छु, तपाईँ गर्नु। करना क्या है? 1,00,000 मै तुमर गया। ए चलो, करना क्या है? तपाईँलाई केही पनि गर्नु छैन। रातिको ड्युटी हो, मानिलिनुहोस्। रेलको अगाडिको लाइट फुटेको छ, तपाईँ लालटिन लिएर हिँड्नु पर्छ। मैं फिर आ गया हिंदुस्तान में, मेरे भैया के पास, सन्नी देओल के पास। वो सन्नी देओल आया, सन्नी देओल ने क्या कहा? मैंने ए भैया ये ब्रश करने कुछ फूल नहीं देखनी, कौन भी लड़की मुझे देखती रहे, कुछ काम करना चाहता हूँ, कुछ काम दिलवा दो। उन्होंने क्या कहा पता है सन्नी देओल ने? सुनिए, ओए क्या कर रहा है? ओए तेरी फिल्म कहाँ गई? तू फिर हिंदुस्तान में आ गया? ओए भैया मुझको छोड़ के गए सब लोग, कोई भी लड़की मुझे देखती नहीं, मैं नया, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, मुझे काम दिलवा दो। ओए काम करनी है? मैं दूंगा तुझे काम। भैया करना क्या है? मैं तुझे दूंगा 1,50,000। महीना के 1,50,000 भैया मैं जरूर करूंगा। मुझे करना क्या है बताइए? तुझे कुछ नहीं करना। हमारी दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी जहाज आती है। चलते चलते रुक गया, तू नीचे उतर के धक्का लगाना। मर जाएगा क्या भैया? मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। कस लायो अच्छा का चस्का ना जाए, कस को एक्टिंग कर दी बाबा, कस को कर दी खड़का जी को थोड़े एक्टिंग है, खड़का जी को एक्टिंग थोड़े भारतबाट बिलेटै आउन छोड्या रहेछ। मेरी अप्सरासँग पन्त मेरो माया प्रीति बसे डुडुम डुडुम बाजा बजाउ धरम धरम पानी परौ श्रीमतीलाई किन हेर्नु भनेर नामै अप्सरा, त्यही भएर म घुम्टो नहिँडिकन सिन्दुर हालिदिएको। आमा घरबाट हेर्नु भनेको 3 घन्टा बियोस, 3 घन्टा आमा बियोस नहुनु पनि कसरी?
प्रतिभा हेर्नको लागि रेडियो माध्यमबाट प्रसारण हुने हरेक शुक्रबार 3:15-4 बजेसम्म प्रसारण हुने कार्यक्रम तपाईँले सुन्नु होला। तपाईँले फोन गरेर पनि मसँग यस्तै गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूसँग सक्नुहुन्छ भने। हुन्छ, म ढिलो नगरेको अन्तिम प्रस्तुत तक्ने बुढाको गर्न चाहन्छु। औ सेवा रो हौ, अलि राम्ररी खिच त झुसे 1920 युद्ध लड्दा पाको मैले तोकमा कान्छी स्वास्नी भित्राएको तिन पानेको झोकमा फोलाखे हौ त्यसको बाजे। औ आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनी प्रत्येकजनालाई सेवा रो छ त सेवा रो त्यसको बाजे कसले छेपारो भन्यो लाखे हौ। यति धेरै आमा बुवा दाजु भाइ दिदी बहिनीको अगाडि बोल्न पाउँदा आफूले आफूलाई गर्भवती महसुस गरेको छु लाखे हौ। औ लाखे भूकम्पले पनि गर्नुसम्म गरेछ। औ त्यसको बाजे पहाडबाट एउटी नानी आइन् त औ तराईमा आइन्। ती नानीले मलाई सोधिन् तक्मे बाजे दिशा गर्ने ठाउँ कहाँ छ। लु लाखे मैले भन्दे होइन कस्तो लाज नभएको केटी रहेछौ त। औ लाखे दिशा गर्ने ठाउँ त तिम्रै शरीरमा छ त म किन देखाऊ लाखे हौ। लु हेर त लु केटी मान्छे पनि कस्ता कस्ता हुँदो रहेछन् दिनमै दिशा गर्ने ठाउँ देखाऊ भन्छन् त। औ लाखे टोइलेट देखाऊ भनेको भए त म देखाउँथे त्यसको बाजे। लु हेर त कति हँसाउनुसम्म हँसायो त भनेको लु हेर लु हेर कस्तो हाँसेको। लु कुरो के भन्दा त त्यसको बाजे म त गीत पनि गाउँछु नि फेरि त्यसको बाजे बसेर एउटा गीत गाइरहेको थिए कुसुमेरुमा मायाको बारीमा पृथ्वीको फुल सम्हाले राखेको कुसुमेरुमा। त्यसको बाजे यस्तो राम्रो गीत गाएर पनि यस्तो एउटी केटी आइन् त टक्रक टक्रक आउने बित्तिकै दिनमै तोरीको फुल देखुन्जरी हानिन् त। औ लाखे मैले भने होइन नानी के साह्रो हाले त किन हाल्यौ त भनेको ती नानीले भनिन्। ओ तँलाई केटी जिस्काउन लाज लाग्दैन भन्छ। औ त्यसको बाजे मैले कसरी गल्ती गरेँ भनेको मेरो नाम कुसु हो म तेरो माल हो कुसु मेरो माल भन्छ। ओ लाखे लाखे हौ हे त गीत गाउनु पनि नपाइने कस्तो जमाना हो त। औ लाखे ती नानीले मलाई झ्याम्महान चिन्ता लाएर गए रक्सी खानको लागि। औ पसलमा एकजना नानी बसेकी रहेछन्। औ लाखे ती नानीलाई मैले सोधेँ नानी भर्जिन छ ती नानीले भन्छन् भर्जिन भए पनि नभए पनि तँलाई के मतलब भनेर एक झापर फेरि हाने। लु बिहान नभएको केटीलाई भर्जिन भन्दो रहेछ मलाई के थाहा। त्यसको बाजे केटाबाट पनि रक्सी खाइयो केटाबाट पनि झ्याम्मा खाइयो। हुन्छ नमस्कार।